तो अभी हम जा रहे हैं, बोरा ले लिया है, पीछे मम्मी आ रही है। बहुत मतलब पहली बार बैठ रहे हैं ऐसे, मतलब खड़े होकर जा रहे हैं, तो फिर अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हवा लग रहा है, अच्छा चल रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज कर रहे हैं इस ब्लॉग को अभी से स्टार्ट, और अभी हो गई मॉर्निंग और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम अभी लेट उठे हैं काफ़ी। तो अभी उठ के देखे हैं तो घर में भी कल छठ है, तो कल छठ का प्रिपरेशन हो रहा है। जैसे कि अभी जैसे घर में जो होता है गोबर से मतलब इसको पोता जाता है, क्योंकि हमारे गाँव में शुद्ध मानते हैं, मतलब अच्छा मानते हैं, इसलिए इसको पोता गया है गोबर से। तो अभी सबसे पहले अभी फ्रेश होंगे, और फ्रेश होने के बाद अभी मम्मी वहाँ गेहूं काट रही है, और आज रात में थ्रेसिंग भी होगा, मतलब गेहूं का जो होगा थ्रेसिंग कटिंग होगा वो। तो चलिए आपको दिखाएंगे कि भी गेहूं का थ्रेसिंग कैसे होता है हमारे बिहार में। इधर आया अंदर में तो देखिए क्या कर रहा है कौन, इसको देखिए, इसको जब भी देखो फोन में बिजी रहता है। ये गेहूँ अभी इसको रखा गया है धूप में सूखने के लिए, ताकि कल इसको मतलब छठ पूजा है ना, तो कल इसका जो भी आटा वगैरह बनेगा, इससे जो पकवान बनता है वो बनेगा। और ये देखिए गेहूं का आज मतलब सब अपना अपना गेहूं अपने अपने घर लेके जा रहा है कटिंग करके। काव्या अभी सो के उठी है और ये खेल रही है, देखो काव्या खा रही है दाल भात। तो आज खाना है बनाया चावल दाल और करेला के भुजिया। तो अभी हम जा रहे हैं गेहूँ पिसवाने के लिए, कल छठ पूजा है तो उसके लिए जो भी पकवान बनता है, तो उसके लिए जो आटा मतलब उसको बनवाएंगे, मतलब आटा पिसवाएंगे, तो उसके लिए भी हम जा रहे हैं। दीदी गेहूँ सुखा लिए तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ काव्या और सुमन जी इधर फ़ोन से बात कर रहे हैं, तो ये मेरा पैकेट है जिसको लेके जाएंगे अभी कुछ देर में। तो अब चलिए चलते हैं गाड़ी लेके, उससे मिलते हैं मिल पे जब गेहूँ रख देंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि बाइक पे तो वीडियो बनाने में बनेगा नहीं। अभी हम और इतने जा रहे हैं मिल पे, वो पीछे बैठेगा और हमें बाइक चलाएंगे, तो चलिए चलते हैं मिल पे। और अनिकेत तो बैठा हुआ था, उसको उतार दिए। नहीं अनिकेत तुमने जाएगा, तभी आ गए हैं मिल पे हम और इतेश भी। तभी ये तो अब यहाँ मिल से आ गए हैं, अब चलते हैं घर डायरेक्ट, यहाँ से निकल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अब घर। तो मस्त अभी गर्मी के महीने में आइसक्रीम खा रहे हैं, अनिकेत को दो आइसक्रीम खरीद दिए हैं, और हम लिए हैं कौन, बटर स्कॉच नहीं हो गया ए आइसक्रीम खा ली काव्या कैसा लगा? चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे शाम में डायरेक्ट। रात 7 और अभी हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी जो मेरा गेहूं है उसको जो भी मशीन जो करवाते हैं थ्रेसिंग करवाते हैं, तो चलिए अभी चलते हैं थ्रेसिंग करवाने जाना है अभी। और अभी टाइम हो गया है 7:30, मम्मी कब से बोल रही चलने के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम और मम्मी और एक आंटी जो भी हैं उनके साथ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, आ गए हैं खेत में, और खेत में तो अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं, बोरा ले लिए, पीछे मम्मी आ रही है, और उधर ट्रैक्टर से उधर थ्रेसिंग हो रहा है। अभी बोले कि जाओ मत, आगे चलिए, आगे आपका कर देंगे, तब तक वहाँ पे रखिए ओके। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे, चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे मतलब थ्रेसिंग किया जाता है गाँव में, कैसे इसको गेहूँ में चेंज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आ गए हैं, ये गेहूँ है टोटल, इसको ये करवाएँगे, मतलब जो थ्रेसिंग होगा तो यही होगा टोटल। ट्रैक्टर आ गया है, अब इस पर हम लोग ये करेंगे, मतलब गेहूं का जो भी होगा इसको डालेंगे ऊपर में, ये अपना मतलब गेहूँ में और भूसा में चेंज करेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं भैया वहाँ, तो चले चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो अब काम कर रहे हैं, और आपको हम पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा बहुत क्लिप दिखाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं काम, यहाँ पे अभी डाल रहे हैं इसमें, और उधर भूसा गिर रहा है, इधर गेहूँ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वो कान की नसी थी ग्यारह चार पाँच तीन आठ दो दस टोटल दस बोरा। तो अब चलते हैं हम घर, अब जाने का टाइम हो गया घर, गाड़ी में सामान रखा रहा है, हम जाएंगे हम लोग। अरे पैदल और हम जा रहे हैं गाड़ी पे, इधर पापा बाइक से हैं। चल दिए खेत से, मस्त हवा आ रहा है एकदम, हम खड़े हैं और ये रास्ता है और हम चल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, बैठे नहीं खड़े हुए हैं। ये मेरा गेहूँ है और ये पिकअप है पूरा। अब जा रहे हैं घर, हवा मस्त आ रहा है एकदम, ठंडा ठंडा लग रहा है। बहुत मतलब पहली बार बैठ रहे हैं ऐसे, मतलब खड़े होकर जा रहे हैं, तो इसमें अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा। तो चलिए अब घर जाके मिलते हैं। तो अब गाँव पहुँच गए हैं, अब घर भी पहुँचने वाले हैं कुछ देर में। सब बहाना है, खाना नहीं बनाई है, ये सब बस बहाना है यार, कुछ नहीं है। जल्दी उठो, खाना बनाओ जल्दी फटाफट, और जल्दी से सरसों का तेल लेके मालिश करने के लिए विरोध दोनों काव्या और तुम लोग। तो अभी भूख लगी हुई है, अभी अभी खाना खाएंगे, पेट दर्द कर रहा है भूख से। और गेहूं लेके आ गए हैं गाड़ी से भी, तो पापा उधर उतार रहे हैं और हम अभी अंदर आ गए पैर वहाँ धोने फ्रेश होने। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अभी रेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।